दोस्तों अभी जो है एमएसआर फ्रूट ट्रेडर्स E7 ब्लॉक में पहुंचे हैं, जो कि कोनाप्पा जी रहते हैं यहाँ पे, और इनका जो बिजनेस है संतरा का बिजनेस है। तो वैसा वो भी जो है मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इस वजह से जो है कोनाप्पा जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो रेट है मेरे को बता दिए हैं। तो इसके लिए जो है मैं रेट जो है मैं खुद से बताऊँगा। और यहाँ पे E7 का साथ साथ इसका बाजू में भी E6 है, ठीक है। और दोनों का जो है रेट, अभी माल तो थोड़ा खाली हो गया लेट आने की वजह से, जो रेट है आज का संतरा का मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये चूरा साइज का है, ये 20 से 25 रुपये आज का प्राइस पड़ रहा है। माल एकदम फ्रेश है, स्वीट भी है, आके मैं एक दो सभी से एक दो खा लिया हूँ, स्वीट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और माल ये 20 रुपये है, ये चूरा साइज का है। सभी साइज तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा दिखाने के लिए, यहाँ पे चूरा है और वहाँ पे SPL का साइज है, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मीडियम साइज का फल है, देख सकते हैं ये 50 50 रुपीज़ और 45 45 टू 50 रुपीज़ में आज बिक रहा है मार्केट का। और रमजान का वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर उठने का आशा है, लेकिन आज जो पहले जैसा था थोड़ा सा उठा है, मतलब 2 3 दिन पहले जो जितना उठा था उसी हिसाब से चल रहा है। आज रमजान का पहला दिन है और 2 3 दिन के बाद मार्केट भी थोड़ा ज्यादा उठ जाएगा, तो आज जो उठ जाएगा, रमजान शुरू हो गया तो उठ जाएगा। तो ये जो है एक नंबर का जो 50 रुपया में सेल हो रहा है, और वहाँ पे जो है SPL रखा हुआ है देख सकते हैं इसका, और इसका जो है 60 रुपीज़ 65 रुपीज़ में सेल हो रहा है आज का। और सारा दिखाने के लिए और जो नीचे नीचे का माल दिखाने के लिए नहीं होगा क्योंकि खाली हो गया है। और यहाँ पे जो थोड़ा है ये बबर है, और साइज भी देख सकते हैं बबर का, मतलब भाई साहब जो भी है देख लीजिए, साइज तो बड़ा है, थोड़ा दागी माल और जो थोड़ा सा ढीला हो जाता है उसी माल को बबर बोल देते हैं, लेकिन साइज उसका अच्छा रहता है, छोटा भी रहता है बड़ा रहता है, तो मिक्स वाला ग्रेड रहता है। इसका जो है 25 30 रुपया में मिल जाएगा ये आपको। और दोस्तों इनका जो मोबाइल नंबर है कोनाप्पा जी का, E7 MSR फ्रूट ट्रेडर्स, 99900833994, वो तो प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से मैं खुद से बना रहा हूँ। तो संतरा के अपडेट के लिए बस आज का यही रहेगा, और कोशिश करते हैं अगले वाला दुकान पे मिल जाएगा तो डायरेक्ट फेस टू फेस बात कराएंगे, और नहीं मिलेगा तो यही लास्ट था। और आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज जो भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो अप टू डेट रहेगा उसी में मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा सबसे अच्छा अप टू डेट आता है यूट्यूब में, जो कि प्रमोद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आता है, और बेंगलोर फ्रूट मार्केट भी आप सर्च करेंगे तो ये पहला आएगा। हेलो नमस्ते नमस्ते भाई सर, ये बोल दीजिए, मैं तो ये बोल दिया है, ठीक आओ। है, तो आप जो यहाँ पे पहुंचे हैं, ये कौन सा मार्केट है ये पहले बताइए आप। ये बेंगलोर का वो बेंगलोर का सिंगेना अगरहारा एपीएमसी है मार्केट, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलोगे तो सभी आदमी समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास ही एक ही सुपर मार्केट है बड़ा वाला। अच्छा जी, आप महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र कहाँ से आए? नांदेड़। वहाँ से सिर्फ आप संतरा लेके आते हैं या और कुछ लेके आते हैं? नहीं, संतरा ऑरेंज ही लेके आते हैं सर, वहाँ तो ऑरेंज लेके आते हैं। हाँ, ये फूड जो भाई साहब है वीडियो देख रहे होंगे, फेसबुक में देख रहे होंगे या यूट्यूब में देखेंगे, तो ये सब लोग का जो है मेरे पास कॉमेंट आता है, फेसबुक में आता है, मैसेंजर में आता है, यूट्यूब में आता है, तो वो लोग का सब थोड़ा जानकारी चाहिए, क्लियर हो जाएगा। मैं तो दुकान वाला से वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद से भी बोलता हूँ, तो आप वहाँ से आए हो ना, आओ। तो पहले मेरे को देखे नहीं थे, नहीं नहीं तो यहाँ मिल गए, तो आप तो मुझे सुनना चाहेंगे, मैं चाहूंगा और पब्लिक जो है वो सुनेंगे तो उनको संतुष्टि हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी लेके आ रहे थे ड्राइवर भाई साहब, जो है वो सोचते कि कहाँ पे गाड़ी पार्किंग करेंगे, क्या चोरी हो रहा है, क्या मसला है, और कब अनलोड होगा, होता ना, तो इसको जैसे जो है आप बता दीजिए, वहाँ से माल जैसे महाराष्ट्र से लोड करके आए पहले आपको कितना टाइम लगा? यहाँ से लगेगा 18 घंटा। 18 घंटा लगेगा? अच्छा जी, 18 घंटा लगेगा, कोई ट्रैफिक हो गया तो उसे ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अच्छा, मतलब आप एक दिन का सुबह को 2 बजे को आए तो हाँ। कल नाइट सुबह तक पहुंच जाओगे ना, बारिश 18 घंटा, 2 बजे तक निकल जाओगे, 2 3 बजे से तो सुबह तक आ जाओगे, और यहाँ तो सुबह का मार्केट है, 2 बजे में निकल के आओगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह का मार्केट है, आप यहाँ पे रात को 3 बजे तक पहुंच जाना है, 3 बजे तक पहुंचोगे और बाकी टाइम कॉन्टेक्ट अच्छा रहेगा तो हमारा सर उसी टाइम भी खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सही नहीं? अच्छा जी, 18 घंटा लगेगा, और यहाँ पे आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी पार्किंग करने के लिए या मान लो गाड़ी खड़ा रहेगा 2 दिन 3 दिन 5 घंटा 2 घंटा जो आपको वेट करना पड़ता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आता मार्केट में, गेट पास बनाता, गाड़ी दुकान पे अनलोड हो जाता,
अच्छा कितना टाइम लगेगा, वो जो गाड़ी आएगा पार्किंग हो गया दुकान पे अनलोड होगा कितना टाइम लगेगा? दुकान पे माल ले रहा है तो घंटे भर में अनलोड हो जाएगा गाड़ी, घंटे भर में अनलोड हो जाएगा। हाँ अगर अपने से पहले ज्यादा लेट, दूसरा मार्केट जैसा लेट होता है इसमें लेट नहीं होता। नहीं बेंगलोर में कोई नहीं, यहाँ पे बहुत जल्दी अनलोड करना है और खाली भी करना, खाली करना है ना। और उसके बाद जो है माल में आपको पैसा के लिए जो भी पार्टी आता है तो पैसा के लिए कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं करता, जितना भाड़ा है उतना भाड़ा दे देते, भाड़ा दे देते और जो तो पैसा होगा वो पार्टी का होगा, पार्टी को अलग देगा। ड्राइवर के पास काम कर रहे हैं तो उसका ड्राइवर का, हमारा गाड़ी का भाड़ा जो है वो दे गया जो भी अभी आपको हो गया है। आओ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ और जो माल का है जैसे कि आपको बहुत ओवर का माल लेके आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं जब आपको मिल जा रहा है ओवर को क्यों नहीं मिलेगा? आओ और एक दिन का बिजनेस एक बता दीजिए आप कितना टन का गाड़ी आएगा, छोटा जो पिकअप में लेके आना चाहेगा वो आ सकता है 10 टन का गाड़ी होगा? 10 टन वाला मिनिमम, 10 टन वाला आएगा। अच्छा मिनिमम 10 टन वाला आने का क्या फायदा रहेगा या क्या नुकसान रहेगा? मतलब छोटा से छोटा गाड़ी लाने में क्या फायदा रहेगा और बड़ा गाड़ी लाने में क्या फायदा? छोटा गाड़ी को पड़तल नहीं खाएगा ना। अच्छा वही वही मैं तो बोलूंगा, तो छोटा गाड़ी का रेट किराया ज्यादा होगा, बड़ा गाड़ी लाएगा तो उसका किराया मिनिमम मीडियम रहेगा। वो मेरा 1600 किलोमीटर होता, आगे से माल भर के आज 1600 किलोमीटर होता, छोटा गाड़ी पड़तल नहीं कर रहा। दोस्तों अभी जो है हम आम का पास पहुंचे, मैंगो का पास पहुंचे और इन भाई साहब का पास जो भानिसा है, भानी बोले तो बैंगन पुली बोल सकते हैं यहाँ पे, और बैंगन पुली जो है यहाँ पे 4-5 क्वालिटी का है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, और जो कलर है बहुत बढ़िया आ गया है। और इसके बाद जो है अल्फोनास, अल्फोनास मैंगो है और देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये भाई साहब जो बोले थोड़ा सा लेट होगा और आईवी था और दूसरा कुछ रसपुरी था ऐसा, तो ये खाली हो गया। तो भाई साहब बोले कि मेरा फेस नहीं दिखाना है, तो जो रेट है मैं उनको माइक दे दिया हूँ, वो बोले अना नमस्कार, नमस्कार अना इवत्तु भानिसा बैगन पुली के एस्टो केजी प्राइस है? 100 रुपीज। तो भाई साहब जो बोल रहे हैं बैगन पुली और भानिसा का आज का प्राइस है 100 रुपीज है, 100 रुपया का केजी आएगा। ओके अना इधो नेक्स्ट अल्फोनास था, अल्फोनास हाँ अल्फोनास के एस्टो प्राइस केजी 160। तो भाई साहब ये जो बोल रहे हैं अल्फोनास का 160 रुपया किलो है, 160 रुपीज पर केजी। ओके आमेले यानो बेरे क्वालिटी में जाना अरे बेरे क्वालिटी अरे ला सेम दना अल्फोनास वाले एल्ला अल्फोनास भगिन बोले। तो वहां पे जो है भाई साहब वहां पे दिखा देता हूं, तो वो सोवी हुई अल्फोनास भानिसा, वहां से अल्फोनास है और भानिसा है, कलर अच्छा आ गया। और जो रेट जो बता दिया 160 का है वो अल्फोनास, और बैगन पुली भानिसा का 100 रुपया बता दिया है। और यहाँ पे जो है पपाया एस्टो पपाया 25 25 25 रुपीज पपाया भाई साहब बेच रहे हैं। मोबाइल नंबर वाली 9108 हाँ 90 हाँ 1255। ओके ओके थैंक यू ओके थैंक यू।